जय श्री कृष्ण। आज के सेशन में हम सीखेंगे पहली क्लास की फर्स्ट ब्लोइंग, कि जब हम बांसुरी बजाना शुरू करते हैं तो उसमें साउंड कैसे निकाले बांसुरी से, क्योंकि फूकने का अलग अलग टेक्निक होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाया तो मैंने ये फील किया कि कौन सी तरीका से बजाए जो अच्छे से बज पाएगा, क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट को अलग अलग तरीका से बजाते हैं, तो मैंने उसको अलग अलग टेक्निक समझाया, जिसमें से मैं दो टेक्निक की बात आज यहाँ करूँगा जो अधिकतर स्टूडेंट में ये चीज़ आ जाता है। तो जैसे बांसुरी लेना है ऐसे, और ये सी मिडिल स्केल का बांसुरी है, तो बांसुरी ऐसे पकड़ना है और ऐसे फूकना है। देखिए ऐसे मैंने बजाया तो बज गया, आप भी बजाओगे तो बज जाएगा। बाय चांस कभी कभी क्या दिक्कत होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि फूके कैसे इसको, तो वो ऐसे फूकते हैं। तो ये हो गया थ्रो ब्लोइंग, या कभी ऊपर लगा लेते हैं, कभी नीचे लगा लेते हैं, इसे बजता नहीं है। तो अब क्या करना है, इसको लिप के ऊपर रखना है, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं रखना है, लिप के थोड़ा नीचे ही रखना है ऐसे, और लिप को थोड़ा पुश करना है, ठीक है, और फिर ब्लोइंग करना है। यहाँ तो मेरे को बजाने आता है तो मैंने बजा दिया, और आप क्या करोगे, तो ये हो गया क्या थ्रो ब्लोइंग। तो इस ब्लोइंग से नहीं बजेगा, इसका बजाने का अलग टेक्निक है। तो उस टेक्निक को कैसे समझे, आज हम ये सीखते हैं। देखिए ये हो गया स्ट्रेट ब्लोइंग हो गया, ऐसे में शंख बजाया जाता है। शंख में क्या होता है, सीधा फूका जाता है ना। और बांसुरी में क्या होता है कि जैसे लिप के नीचे लग गया तो हमें ब्लोइंग को नीचे करना है, तो देखिए दोनों में हमारा फेस का जो मूवमेंट है वो अलग अलग हो जाता है। ये स्ट्रेट ब्लोइंग हो गया, और बांसुरी की ब्लोइंग। तो हमें चेक करने के लिए अपने तलहटी को ऐसे नीचे करना है हाथ को, और इसके ऊपर अपने हवा प्रेशर को ऐसे फेस सीधा करके फिर नीचे करना है। यहाँ पे ब्लोइंग जो एयर है वो यहाँ पे लगना चाहिए। अब स्ट्रेट ब्लोइंग करेंगे तो सामने जाएगा, है ना, लेकिन बांसुरी बजाने वाला ब्लोइंग करना है तो नीचे करना है। इसका एक और टेक्निक है, जैसे कि आपके पास पेन की कवर है तो पेन की कवर पहले बजाना शुरू करें, उससे भी आपको समझ आ जाएगा कि बांसुरी में कौन सी ब्लोइंग लगता है। अब इसको लिप में लगाएं, थोड़ी के साथ टच करके सीधा, ऐसा ही लिप के बीच में होना चाहिए, और थोड़ा सा पुश करना है। अब ये तो जिस टेक्निक से बांसुरी बजाते हैं उस टेक्निक से मैंने बजाया, लेकिन अधिकतर क्या करते हैं स्टूडेंट, उसका स्ट्रेट ब्लोइंग करने का जो आसान तरीका है वही यूज करते हैं, तो वो यूज नहीं करना है। स्ट्रेट ब्लोइंग है ही नहीं, ठीक है, इसका टेक्निक समझना है। बस ये जो जिस टेक्निक से बज रहा है उसी टेक्निक को बांसुरी में लगाना है। तो पहले आप 2-4 मिनट इसको बजाइए पेन की कवर को, और फिर इस टेक्निक को जब आप समझ गए तो आप उसको बांसुरी में बजाइए, तो आसानी से बज जाएगा। बस इसकी बांसुरी की जो होल है वो ज्यादा अंदर नहीं करना है, तो नहीं बजेगा, है ना। इसकी होल जो है वो 90 डिग्री में होना चाहिए, ऊपर की तरफ, ना अंदर ना बाहर ना अंदर, ठीक है। फिर तो ये दो टेक्निक है जिसको आप अच्छे से समझिए और करिए। इस दो टेक्निक का जो अंतर समझ जाएंगे तो आप बांसुरी बजाने लग जाएंगे। जब आप ऐसे बजाने लग गए तो एक हाथ से बैलेंस करिए बांसुरी को, ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और एक हाथ से लगाना है लिप में, और थोड़ा सा पीछे की तरफ थोड़ा हार्ड पकड़ के, जोर से पकड़ के पीछे की तरफ धक्का देना है लिप को, क्योंकि ऐसे नॉर्मल रखेंगे
तो बजेगा नहीं, तो थोड़ा पुश करना है, थंब का सहारा ले सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ये हो गया। जब आप ऐसे बजाने लग गए, साउंड आने लग गया, तो आप ऐसे पकड़ो, ठीक है ऐसे। और अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये फिंगर है जिसको आराम से रखना है बांसुरी के ऊपर, ऐसे ऐसे नहीं करने लगे जा रहे, ऐसे ऐसे करने लगते हैं अधिकतर स्टूडेंट, तो वो नहीं करना है, ऐसे रखना है आराम से सीधा होने दो फिंगर, आराम से तीनों होल को कवर कर दिए, बंद कर दिए, और ऐसे सीधा नहीं रखना है फिंगर को, थोड़ा सा तिरछा है ना। अब ये थंब यहाँ आ गया, थंब यहाँ रखेंगे तभी दिक्कत होगा, थंब को खुला रखना है, जहाँ जा रहा है आपका हाथ वहाँ जाने दीजिए आसानी से, वेरी सिंपल टेक्निक। तो इस टेक्निक से बजाइए, देखिए। अब यहाँ क्या करना है, जब फिंगर आपने रखा तो फिंगर से थोड़ा होल को पुश करके रखना है ना, ताकि एयर लीक ना हो और आसानी से साउंड आए, और थंब से लीप को थोड़ा पुश करना है, क्योंकि पुश नहीं करेंगे तो नहीं बज रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा पुश कर दिए, तो ये हो गया सा। तो इसको बजाइए डेली, एक हफ्ते तक, आधे घंटा तक केवल सा बजाइए। अब इसमें भी सा बजाने का टेक्निक है, इसमें भी दो चार बातें वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे सा बजाते हैं तो ब्लोइंग फोर्स से आपका ऊपर नीचे हो रहा है, कम ज़्यादा वो नहीं करना है। तो इस समय क्या फील करना है, जैसे कि सरसों तेल जो होता है मस्टर्ड ऑयल, वो एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते हैं तो कितनी वो एक लय धारावत जाता है, वैसा ही हमारी जो ब्लोइंग है वो बांसुरी में एक लय में जाना चाहिए, स्ट्रेट बिल्कुल, न ऊपर न नीचे, इसका ध्यान रखना है। तो देखिए, सीधा बजाना है, ब्लोइंग न ऊपर होना चाहिए न नीचे होना चाहिए, इसका ध्यान करना है। मतलब बजाते बजाते आपको समझ आएगा। एक विशेष बात और, जैसे कि आपका ब्लोइंग ब्रीथ 8 सेकेंड का है, 10 सेकेंड का है, मतलब 10 सेकेंड तक आप फूक सकते हैं नॉर्मली, तो 10 सेकेंड नहीं फूकना है उसको, हमें 7 सेकेंड या 5 सेकेंड फूक करके उसको एंड करना है और फिर दोबारा से फूकना है। इससे क्या होगा कि आपको थकान नहीं आएगा और आप बहुत देर तक अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और यदि आपका ब्लोइंग ब्रीथ जो है, जो टाइमिंग है 8 सेकेंड का है, और आप खींच के ले जा रहे हो 12 सेकेंड 10 सेकेंड, तो आपको थकान जल्दी आ जाएगा और आप अच्छे से बजा नहीं पाओगे। तो छोटा छोटा बजाना है और क्लियर बजाना है, अच्छे से बजाना है। ठीक है, अच्छे से इस वीडियो को समझ करके देखिए और अच्छे से समझकर रियाज करिए, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में जिसमें आपको बताएंगे सारे गम कैसे बजाते हैं। ओके, जय श्री कृष्ण।